लफ्सां दी दुनिया यूट्यूब चैनल ते मैं रवनीत कौर आप सब दा इस्तकबाल करदी हां ऑनलाइन सबक दे राही। 12वीं जमात ते लाजमीं पंजाबी विषय दे पाठक्रम नाल जुड़े विद्यार्थियो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आपां गल करांगे अखाणा दी जां अखौतां दी। असल दे विच इन्हां नूं कहावतां भी कहा जांदा है। इह आख्या होया एक तत्थ सच ही हुंदा है। साढ़े बजुर्गां वड्डे वडेरियां ने जो अपनी जिंदगी चो अनुभव जां निचोड़ कढ़े हन उन्हां लोक सियाणपां नूं जदों बहुत ही संखेप भाव थोड़े शब्दां दे विच पेश कीता जांदा है तां उस नूं अखाण जां अखौत कहा जांदा है। इह अखाणा जां अखौतां सानूं जिंदगी दा सार तत्त निचोड़ समझा दिंदियां हन ते इन्हां दियां लोक सियाणपां साडे जीवन दे विच वी काम आउंदियां हन ते साडे पुराने समय दे विरसे सभ्याचार आर्थिकता ते जीवन दे वक्ख वक्ख पक्खां दा शीशा वी हुंदियां हन। आओ पहलां इह समझदे आं कि अखाण जां अखौत दा मुहावरे नालों की फर्क है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर ही इन्हां दोवां नूं भुलेखे नाल रलगड कर जांदे हन। बच्चिओ, मुहावरे कुछ इस तरह हुंदे हन जिन्हां दे अंत दे विच कोई क्रियावी शब्द हुंदा है ते उन्हां दा जो अर्थ निकलदा है ओह उन्हां विचले शब्दां दे अर्थ तों बहुत ज़्यादा डूंगा ते कोई प्रतीकमई हुंदा है, जिवें उंगलां ते नचाउणा, उस्तादी करनी, खून सफेद होना, अक्खां अगे हनेरा छा जाना। इन्हां सारिआं विच वेखो, करनी, नचाउणा, छा जाना, होना, ये सारे शब्द कोई किरियावी शब्द ने, मतलब किरिया वाले किसी शब्द नाल इन्हां दा अंत हुंदा। ते उंगलां ते नचाउण दा मतलब ये नहीं कि सचमुच ही उंगल दे उपर नचा लेना, बल्कि दा मतलब हुंदा कि किसी नूं अपने मुताबिक चलाउणा। पर जे आपां गल करिए अखाण दी, अखाण तां अपने आप दे विच पूरा एक वाक ही हुंदा जां अजिहा वाकांश हुंदा जिहड़ा कि सानूं पूरी गल समझा दिंदा। इहदे विच कोई बिंब या चित्र पूरा साडे सामने स्पष्ट हो जांदा, कोई उदाहरण दे के, मिसाल दे के, कोई नाटकी तरीके दे नाल साडे सामने स्थिति दा बयान करके समझाया जांदा। उदाहरण वजों, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ, ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖੌਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਖੌਤ ਦੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਖਾਣ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਅਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਖਾਣ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੁੱਠ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੌਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉੱਠ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੁੱਠ। ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗ ਪਿਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਸਲ ਆ, ਸੁਸਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
आख्या जावे, तां अगों असीं इस दा वाक बना सकते हाँ। ये कोई जरूरी नहीं कि तुसीं किताब वाला वाक ही वरतना, वो सेहत लैण लई है, तुसीं उत्थों समझ के अपनी पसंद का कोई भी वाक बना सकते हो। उदाहरण वजो तुहानूं कोई भी अजिहा सुस्त जां आलसी बंदा नज़र आउंदा, तुसीं उहदे बारे वाक लिख सकते हो कि फलां बंदा तां बहुत ही कौली सुस्ती ते आलसी है, वह तां देरी नाल उठदा है, उस लई सब समझाते हैं उठे तो उठ नहीं तो रेते की मुठ। तो ज़्यादा चंगा होएगा अगर असी अपने वाक नू संखेप रखिए पर वो पूरी तरह नाल अर्थ स्पष्ट करता होवे। सो इसके होर भी कई वाक बन सकते हैं, मसलन मेरे माता जी बहुत उद्यमी हैं, जो मैनू सवेरे सवेरे उठाउण समय आखते हैं उठे तो उठ नहीं तो रेते की मुठ। अगला अखाण है अशरफियां दी लुट ते कोलियां ते मोहरां। अशरफियां नू कीमती मन्निया जांदा है ते कोले हालांकि एक चंगा साधन हन, पर फिर भी साडे पंजाबी साहित ते सभ्याचार विच इन्हां नू मामूली मन्निया जांदा है क्योंकि घरां दे विच बड़े आम हुंदे सी। इसलिए इस अखाण दी वरतों दी स्थिति हुई जद कोई कीमती चीज़ां वल बेध्यानी अते मामूली चीज़ां वल वध ध्यान देवे। इस दा वाक जिवें तुसी पाठ पुस्तक विच वेख रहे हो, शरणजीत नकली गहणियां नू सांभ के रखदी है पर सोने दी अंगूठी वल बेपरवाही कर जांदी है। उसकी मां ने आख्या तेरी तो वह गल हुई अखे अशरफियां दी लुट ते कोलियां ते मोहरां। अगला अखाण है अगे सप ते पिछे शी। सप दे खतरनाक होण बारे तां तुसी सब जानदे हो, पर शी मतलब शेर, वह कितना खतरनाक हुंदा इस दा तुसी थोड़ी कल्पना करके क्यास करके हुण सोचो कि अगर कोई व्यक्ति अजिही बुरी हालत विच घिर जावे कि उसके अगे सप होवे ते पिछे शी होवे, भाव ना वह अगे जा सकण जोगा होवे ते ना पिछे परतण जोगा। इस दी वरतों की स्थिति यही हुई मुसीबतां विच घिर जाना जां जद मुसीबतां घेरा पा लैण। इसका वाक जिवें तुसी किताब दे विच भी देख रहे हो कुछ इस तरह बनाया जा सकता है कि पंजाबी नौजवान झूठे एजेंटा दे झांसे विच फस के गैर कानूनी ढंग नाल जद विदेश जाते हैं ना उत्थे रह सकते हैं ते ना ही देश परत सकते हैं, उन्हां ते तां इह अखाण पूरी तरह टुकदी है अगे सप ते पिछे शी। आदर तेरी चादर नू बहना तेरे गहने नू, इस दा मतलब यह होया कि जद कोई किसे दी चादर भाव दिखावे नू ते उस दे गहने नू भाव उस दे बाहरी रूप नू या उस दे औहदे नू ही ज्यादा महत्व देवे ते उस दे अंदरले गुणा वल ध्यान ना देवे। सोनी जदों तो प्रधान बनी है ते महंगे महंगे कपड़े पाउण लगी है, सब उस दीआं सहेलियां बन गईआं हन ते उस दी बड़ी आओ भगत हुंदी है, ता ही ता स्याने कहंदे हन आदर तेरी चादर नू बहना तेरे गहने नू। अगला अखाण आपे फाथड़िए तेनू कौन छुड़ाए। फाथड़िए दा मतलब है फस, जो कि फस जावे। सो जो कोई आप ही फस जावे तां उस नू कौन छुड़ा सकता है, ता इस अखाण दी वरतों दी स्थिति हुई कि आप सहेड़ी मुसीबत विच्चों कोई नहीं कढ सकदा। इसका वाक कुछ इस तरह हो सकता है कि जो नौजवान आप नशियां दी दलदल विच फस जांदे हन मुड़ उन्हां नू बचाउण वाला कोई नहीं हुंदा, आपे फाथड़िए तेनू कौन छुड़ाए। अगले अखाण आपे मैं रज्जी पुज्जी आपे मेरे बच्चे जीण, भाव जद कोई अपनी तारीफ आप ही करदा रहे। वेखदे हां ए वीडियो है जी, सारा दिन अपने ते अपने कारोबार दियां ना सिफतां ही करदा रहिंदा। सारे पिंड दे लोक पता की सोचदे उहदे बारे, अगे आपे मेरे रज्जी पुज्जी आपे मेरे बच्चे जीन। अगली अखौत है अपने हथी अपना आपे ही काज सवारी है। एक गुरमत फरमान भी है, सानू सिक्ख्या दित्ती है भी कुछ इस तरह नाल, जिसका अर्थ है कि अपना काम आप करना चाहिए है। सो इसकी वरतों की स्थिति हुई जब अपना काम आप करन दी सलाह दित्ती जावे, तो इसका वाक कुछ इस तरह हो सकता है कि सानू अपने काम दूसरों तो कराने की बजाय खुद करने चाहिए हैं क्योंकि अपने हथी अपना आपे ही काज सवारी है। तो साढ़े इस लैक्चर का अज का आखिरी अखाण है
ਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਰਨ ਵਾਲੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਹਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਆਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਨੀਮਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਪਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਖਾਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ